हेलो। हाँ सर, मैंने सर मीटिंग देख ली सर। जी सर। हाँ सर, कुछ उसमें बता रहे थे पार्ट्स के बारे में, कुछ ऑनलाइन वर्क के बारे में सर बता रहे थे, बट मुझे ना एग्जैक्ट समझ में नहीं आया काम क्या करना है। तो आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पर काम क्या करना होता है। नहीं सर, देखो मीटिंग तो सर ठीक है, मैं लगा लूँगा, बट अगर आप मुझे पहले ही बता दो कि काम क्या करना है, तो अगर मुझे काम पसंद आएगा तो मीटिंग भी लगा लूँगा। पता चला मैं सर मीटिंग लगा लूँ, बाद में मुझे काम ना अच्छा लगे, तो यहाँ पर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा। तो आप ना मुझे पहले ही बता दो सर काम क्या करना होता है। सो अगर सेम क्वेश्चन आपका प्रोस्पेक्ट भी आपके साथ करता है आफ्टर द प्रेजेंटेशन, और आप उसके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, उसको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हो, तभी आपको जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपके साथ रेगुलर नहीं होता। आफ्टर द प्रेजेंटेशन आपका फ़ोन नहीं उठाता, बात तो कर लेता है, बट उसके बाद जब ट्रेनिंग आप उसकी रेगुलर करवाते हो, आपका फ़ोन पिकअप नहीं करता, आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, आपको उसे क्या बताना है कि फॉरएवर लिव के अंदर काम क्या करना होता है। सो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर लेवल पर बताने वाला हूँ। एंड अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, तो जाकर डायरी एंड पेन ले आओ, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको जो नॉलेज देने वाला हूँ आपको इससे पहले कभी नहीं दी गई होगी। एंड अगर आप फॉरएवर के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हो, आप भी प्रेजेंटेशन लगा चुके हो, एंड आपके माइंड में आता है कि फॉरएवर में काम क्या करना होता, तो आपको भी इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा। सो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ज्यादा टाइम को किल ना करते हो, चलते हैं वीडियो। इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी पर्सन जब आता है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में ये नहीं बताते हो काम क्या करना है, तो आपके साथ वो रेगुलर नहीं होता। आप इस बात को खुद से रिलेट कर सकते हो कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, तब आपके जो अपलाइन है उन्होंने आपको वर्क के बारे में बताया होगा, या कुछ आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी जगाई होगी कि यार वर्क क्या है यार, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है, तब आपने जाकर इसकी ट्रेनिंग लगाई, तब आपको जाकर फॉरएवर के अंदर आप हो राइट। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होता है, जब वो आपसे पूछता है कि सर इसमें काम क्या करना होता है, तब यहाँ पर आपको उसे थोड़ा सा गाइड करना है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन आपका प्रोस्पेक्ट जब आपसे पूछता है कि सर या मैम मुझे ये बता दो यहाँ पर वर्किंग क्या करनी होती है, तब आपको उससे ये बोलना है कि डियर अगर आपके पास एक कार है, एंड उससे पूछा जाता है इसमें काम क्या करना होता है, तो कार में काम क्या किया जाता है, कार को चलाया जाता है। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट में गाइड कर दिया, बट काम क्या करना है से लेकर कार चलाने तक इसके बीच में भी एक प्रोसेस होता है। आपको कार चलाते वक्त गियर चेंज करने पड़ते हैं, क्लच छोड़ना पड़ता है, ये सारा सब कुछ एक प्रोसेस होता है, तब जाकर आप कहीं वो कार चला पाते हो। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो डियर आपने जो भी प्रेजेंटेशन लगाई है, ये एक बिजनेस की प्रेजेंटेशन है राइट। अब ये कैसा वर्क करता है, क्या करता है, तो इसके लिए आपको 3 से 4 दिन प्रॉपर लेवल पर सिखाया जाएगा, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग आपको जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। आपने यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा गाइड कर दिया, बट आपको यहाँ पर थोड़े से वर्क की भी हिंट देनी है कि उसको वर्क यहाँ पर क्या करना है। आप उसको और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अच्छा ब्रदर आपने कोई मूवी देखी है, मूवी में क्या होता है, आपने कोई मूवी देखी, वो मूवी आपको पसंद आई, आप थिएटर से बाहर निकले, अपने फ्रेंड सर्कल के पास गए, एंड उनको जाके मूवी शेयर कर दी कि भाई अभी ना पठान रिलीज हुई है, जाकर देख भाई बहुत अल्टीमेट मूवी है यार। आपने अपने फ्रेंड को बताया, आपने उस मूवी की एडवाइस दी, शेयरिंग की अपने फ्रेंड के साथ, बट आपने उसको बताया, तो क्या उसका कोई बेनिफिट मिला यहाँ पर आपको? कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। ऊपर से जो आपका फ्रेंड है उसने भी जाकर वो मूवी देखी, तो यहाँ पर बेनिफिट किसका हुआ? थिएटर वाले का हुआ। बट क्या यहाँ पर थिएटर वाले ने भी आपको कुछ दिया? नहीं दिया। अब यहाँ पर तो आपने मूवी को प्रमोट किया, बट उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको। एक डॉक्टर है जो कि बहुत अच्छा इलाज करता है, आप उसको प्रमोट करते हो कि हाँ वो डॉक्टर है बहुत अच्छा इलाज करता है, आप उसके यहाँ जाओ, आप एक बार में ही ठीक हो जाओगे, उसको भी तो आप प्रमोट ही कर रहे हो ना। बट क्या वो डॉक्टर आपको कुछ दे रहा है? कुछ भी नहीं देता। तो डियर आपने जो अभी प्रेजेंटेशन लगाई, उसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया होगा। अब प्रोडक्ट को देखकर आप ये मत सोचना कि मुझे ना यहाँ पर सेलिंग करनी पड़ेगी। तो देखो डियर, ना इतना समय मेरे पास है ना आपके पास है राइट। एंड आप भी जानते हो कि अगर बिजनेस करोड़पति बना जाता ना, तो आज सब्जी वाले करोड़पति होते। आपने यहाँ पर उसको गाइड किया, थोड़ा सा एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है कि नहीं मुझे यहाँ पर सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उससे ये बोलना है कि आपको मीटिंग के अंदर बताया गया होगा हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में। तो डियर जो हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग, तो इसके अंदर आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। पहला, आप सेलर की कैटेगरी में आ सकते हो, एंड सेकेंड आप इसके मैनेजमेंट में आ सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है या घर बैठकर मैनेजमेंट कवर करना है। अब आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ पर क्या बोलेगा कि यार ये ना सेलिंग वेलिंग तो मुझसे होगी नहीं, तो आप ना मुझे बिजनेस मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाल दो। बस आपको उससे बोल देना कि ओके डियर, सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, बट ट्राई करता हूँ कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्द हो जाए। उसके बाद आपको उससे ये बोलना है कि मैं आपको यहाँ पर मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ,
तो आपको ये बिजनेस किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए आपको प्रॉपर 3 से 4 ट्रेनिंग लगानी पड़ेंगी। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोल दोगे, आपका प्रोस्पेक्ट समझ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर सीखना पड़ेगा, तभी जाकर जो मेरा वर्क है मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि यहाँ पर वर्किंग क्या करनी होती है, तो आप उसको 2 यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हो कि आपको सेलिंग की कैटेगरी में काम करना है या बिजनेस मैनेजमेंट की कैटेगरी में काम करना है। एंड जो मैंने आपको तरीके बताए, इस तरीके से आप उसको गाइड करोगे, फॉर श्योर वो बंदा आपके साथ रेगुलर ट्रेनिंग लगाएगा, आपको कभी ना छोड़ कर नहीं जाए। तो होप आपको आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा आपको ना एग्जैक्ट बोलना क्या है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमेशा हेल्प मिल सके एंड आपको ना मेरे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।